अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेरीन और प्रोग्राम है हम सब उम्मीद से हैं। हमारे यहाँ कैलेंडर में इतना मार्च नहीं होता जितना सियासत में होता है। इस महीने अदलिया ने भी मार्च शुरू कर दिया है। लोग जस्टिस इफ्तिखार केस की हियरिंग इस तरह सुन रहे हैं जैसे कॉमेंट्री। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कैलेंडर होता है। काजी साहब का कैलेंडर दिखाऊं? दिखाती हूँ। हर महीने मार्च का होता है, बल्कि सदर साहब के लिए हर महीने मार्च पास्ट का है। मार्च जो है वो यकम अप्रैल को पता नहीं क्यों खत्म हो जाती है। अप्रैल फूल की वजह से? शायद यही वजह है। एक दफा तेज रफ्तारी की वजह से मोटरवे पुलिस ने फारूक लगारी साहब को रोका और उनसे पूछा कि आप गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं। फारूक साहब ने जवाब दिया, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है और खत्म होने से पहले मैं पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचना चाहता हूं। हुकूमत को पता नहीं क्या जल्दी है, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है। देखते हैं शॉर्टकट अजीज वर्सेस शॉर्टकट अजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शॉर्टकट अजीज। मैं बहुत घुमा हुआ हूं पूरी दुनिया। मैंने खुद करीब खड़े होकर मुशाहिदा किया है कि जिस शख्स का जीडीपी रेट बेहतर होगा उस शख्स का ग्रोथ रेट भी बेहतर होगा। यानी जिसकी जनरल डायनेमिक परवरिश होगी उसका ग्रोथ रेट बेहतर होगा। आप मुझे ही देख लें सैंपल के तौर पर, मेरी ही जैसी एक जीडीपी शख्सियत हमारे साथ रابطے में है, इनको मौका देते हैं। हमें एक दूसरे को मौके देने, मौके देने। देखिए जी, मैंने एक कंप्लीट दुनिया बाय पार्ट्स देखी है। आप भी दूसरे ममालिक जाते होंगे। अभी मैं गया हुआ था लसबेला, दो हफ्ते की बात है, और उत्थल में मैं और वजीर आला और गवर्नर और नाजिम साहब स्कूल में एक चले गए। आप स्कूल जाते रहते हैं, आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछूं, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो वजीर आला है। 100% मार्क्स पे आपका। देखें जी, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के वर्ल्ड कप में ना जाने से टीम में नए लड़कों को शामिल होने का मौका मिला। कभी आपको भी ऐसा मौका मिला? देखें जी, 5 साल पहले, बल्कि 6 साल पहले मैं जब वजीर खजाना के तौर पे यहां आया तो मुझे मौका मिला। जब पता चला कि हमारी टीम में शोएब अख्तर नहीं जा रहा तो क्या हुआ? तो एकदम एक धमाका सा हुआ। देखें जी, टीम ने बॉब वुल्मर की उर्दू पर बहुत मेहनत की है, आपके ख्याल में हम टीम से किस किस का मुकाबला कर सकते हैं? ये आप देखेंगे, 5 साल हमने मेहनत की तो आज जाके आप तेल की कीमतों का भी मुकाबला कर सकते हैं, आप और जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमारी क्रिकेट टीम तेल की कीमतों का भी मुकाबला कर सकती है, इस मुकाबले से फायदा? इससे फिर इंशाल्लाह हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में। अब तक की हमारी टीम की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी तनसीबात भी माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, किसी ने एक गोली नहीं चली वहां उसके बाद। देखें जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का असल मकसद फरोगे उर्दू है, तो इस सिलसिले में सुना है कि वर्ल्ड कप में अच्छी उर्दू ना बोलने वाले की इंक्वायरी होगी, तो क्या ख्याल है, इंक्वायरी टीम वेस्टइंडीज जाएगी? 2 दफा हमारी टीम जा चुकी है और उन्होंने हकायक का जायजा लिया है। अभी इंक्वायरी इन प्रोग्रेस है, क्योंकि ये एक दिन में तो इंक्वायरी नहीं हो सकती, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग अवेलेबल नहीं है, उनको ढूंढा जा रहा है। देखें जी, हम एक दिन में 3-3, 4-4 जगह ओपनिंग करते हैं और अभी अभी मैं एक यूटिलिटी स्टोर की ओपनिंग करके आया हूं। हमारी क्रिकेट टीम की ओपनिंग का जरा मसला है, सुना है कप्तान इंजमामुल हक ने आपको ओपनिंग के लिए कहा था, आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा जी ये चीज मैं नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि लोगों की कानून से आगाही के लिए
होना यह चाहिए कि लोगों को कानून गा गा कर सुनाया जाए. सुना इस सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कोशिशें हो रही हैं और काविशें हो रही हैं इनके मुस्बत नतायज निकलेंगे. देखें जी, मैं 23 मार्च पर तराना खुद गाता हूं तो लोग दूर दूर से सुनने आते हैं. सुना है आप गा रहे थे तो लोग बिलखसूस हिजब इख्तलाफ. जब हिजब इख्तलाफ और दुरानी साहब नहीं आए तो मुझे जाती तौर पे बड़ा अफसोस हुआ. वर्ल्ड कप में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? वगैरह 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 वगैरह. ये किस मुल्क की टीम है? आप मुल्क का नाम लें. मैंने कभी नहीं लिया, ना मैं कभी लूंगा. देखें जी, पता चला है कि आपको क्रिकेट टीम का कोच बनाने के लिए सोचा गया था. काफी लोगों का ख्याल था कि मैं ये जिम्मेवारी पूरी कर सकता हूं. आपके ख्याल में मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात में वर्ल्ड कप का फैसला क्या होगा? जब ये हो जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा वो उसके फैसला करने से पहले हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे ताकि कौमी मफाद में सबको साथ लेके चलें और किसी के अगर तहफ्फुज़ात हैं तो उनका भी ख्याल रखा जाए. देखें जी, हमें पता चला है कि आप टीम की सियासी कोचिंग के लिए सूफी सियासत हुसैन को लाना चाहते हैं. क्यों? इफ वी डू नॉट चेंज वी विल बी हिस्ट्री, बट इफ वी चेंज वी विल मेक हिस्ट्री. देखें जी, इमरान खान साहब क्रिकेट से सियासत में आ सकते हैं तो सियासत से लोग क्रिकेट में क्यों नहीं आ सकते? सियासतदानों का क्रिकेट में कोटा होना चाहिए. शॉर्टकट अजीज साहब, क्या ऐसी तजवीजें पेश होती हैं? कि हमेशा ये होती है. माशाल्लाह, इसी सिमत में हम जा रहे हैं. इसके साथ ही हम भी इसी सिमत चलते हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद. तालियां रोकेंगे तो बात करूंगी ना. थैंक यू. हमारे यहां औरतों को मर्दों पर प्रायोरिटी दी जाती है. हमारे यहां फर्स्ट लेडी भी औरत ही होती है. एमएमए का मंशूर भी मर्दों के खिलाफ है. उनके मुताबिक फर्स्ट लेडी हो सकती है, फर्स्ट मैन नहीं हो सकता. पंजाब में तालीम इतनी आम हो गई है कि दूसरे इलाकों के लोगों से पूछें कि लाहौर से कुछ भिजवाएं तो वो कहते हैं कि 2-3 डिग्रियां भिजवा दें प्लीज. गनवा भुट्टो भी बीए की डिग्री हासिल करने के लिए लाहौर आई. सियासत में आने के लिए बीए होना जरूरी है. हमारी एक फिल्म एक्ट्रेस ने कहा कि मैं पहले एमए थी, अब बीए हो गई हूं. हमने पूछा मतलब, उनका जवाब आया कि पहले एमए थी यानी मैरिड अगेन और अब बीए हो गई हूं, बैचलरेट अगेन हो गई हूं.